नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में अनाउंस किया कि आगरा में अंडर कंस्ट्रक्शन मुगल म्यूजियम को अब छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कहा जाएगा। उन्होंने फैसला को अनाउंस करते हुए ये बहुत ही नाटकीय तरीके से पूछा कि भले ही मुगलों को हम हीरो कैसे मान सकते हैं, शिवाजी का नाम लेते ही हमारे अंदर से राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान की भावना जाग जाती है, एक लहर सी दौड़ जाती है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी आगे कहा कि कोई भी चीज अगर हमारे अंदर सबसर्वियंट मेंटालिटी उत्पन्न करती है तो हम उस इंस्टीट्यूशन को ही हटा देंगे। म्यूजियम बनाने का फैसला दरअसल 2016 में किया गया। वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव को एक जमाने में संघ परिवार का काडर मुल्ला मुलायम के नाम से कहता था। उनके पुत्र अखिलेश यादव ने, जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के 2012 से लेके 2017 तक, उन्होंने ये म्यूजियम को बनाने का फैसला लिया था। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के बाद म्यूजियम पर काम लगभग पूरा बंद है, लेकिन उसके पहले बहुत हद तक काफी काम हो चुका था। लगभग 70% का काम पूरा हो चुका था और ₹90 करोड़ सैंक्शन होके खर्च भी हो चुके थे। परंतु अब इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत डिले हो जाएगा क्योंकि छत्रपति के कनेक्शन आगरा से निकालने पड़ेंगे। शिवाजी का आगरा से धुंध से ढका हुआ एक कनेक्शन तो है, परंतु एमिनेंट हिस्टोरियंस भी अनश्योर हैं क्या असली है या फिर मिथिकल या फिर लोक कथाओं पर आधारित। आगरा के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर बीडी शुक्ला ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा है, आफ्टर शिवाजी लॉस्ट all his forts, he was called there by Aurangzeb. Shivaji got angry when he was not treated well. He was later held captive in the Ram Singh ki Kothi. However, so far, neither the Archaeological Survey of India nor any historian is 100% sure where this Kothi is. Kahaniyan bahut hain. शिवाजी फलों की टोकरियों में यमुना पार करके भाग गए थे, लेकिन क्या यह सच्चाई है या मात्र कॉमिक बुक्स के लिए स्क्रिप्ट लोक कथाओं के आधार पर बेस्ड है? ऐसे वास्तविक भारतीय इतिहास को लेकर इस सरकार को, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को, काफी समस्याएं हैं। 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनने के बाद जो हिस्ट्री के रिसर्च के लिए नोडल एजेंसी है इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, उसका पुनर्गठन हुआ था। नए डायरेक्टर ने अनाउंस किया था इतिहास पर शोध अब मात्र साइंटिफिक रिसोर्सेस के आधार पर नहीं होंगे, परंतु माइथोलॉजिकल और फोक बिलीफ पर भी आधारित होंगे। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता के लिए हिस्ट्री इज जस्ट अ वार्डरोब, इफ यू डोंट लाइक इट चेंज द क्लोथ्स एंड वेयर अ न्यू स्टाइल। इतिहास को इतना सब्जेक्टिवली अप्रोच करने का मूल कारण बहुत डीप है। दरअसल हिस्ट्री इज ऑलवेज यूज्ड बाय द हिंदुत्व फोर्सेस एज अ टूल फॉर वेजिंग कंटेम्पररी पोलिटिकल बैटल्स to justify current campaigns of theirs. ऐसे भी
कई रेप्यूटेड हिस्टोरियंस के ओपिनियन में हिस्ट्री हैज ऑफन बीन यूज्ड एज अ स्लेव बाय देम। भारतीय इतिहास को एक अरसे से कम्युनलाइज्ड पीरियड्स में देखा गया है, बांट दिया गया है। पहले गोल्डन हिंदू पीरियड, फिर उसके बाद मुस्लिम गुलामी का काल और फाइनली जाके ब्रिटिश डोमिनेंस, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो कॉन्स्टेंटली 1200 साल की गुलामी उसको एक इलेक्टोरल मंत्र बना के रख दिया है, एक तरह से हमेशा उनका पंच लाइन रहा है। योगी आदित्यनाथ के डिसीशन और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मुगल्स हमारे इतिहास में ऑप्रेसर्स थे, राष्ट्रीय डेवलपमेंट में उनका कोई पॉजिटिव रोल नहीं था। नॉट जस्ट आदित्यनाथ बट द एंटायर इंडियन राइट विंग considers history as little but a narrative of emperors and kings. कोई नहीं देखता कि चाहे बादशाह मुसलमान रहे हों कई regions में, लेकिन ruling classes predominantly हिंदू होते थे। Emperors के local military allies भी हिंदू राजा या वहां के chieftains होते थे। Actually, acquisition of political power and authority were their primary objectives. धार्मिक प्रचार या फिर religious hegemony establish करना इनकी कोई priority नहीं होती थी। Medieval India को अक्सर contemporary political agenda से golden age for all Muslims कहा जाता है, और इसी के corresponding दूसरा पहलू the dark ages for the Hindus of the country. ये सही डिस्क्रिप्शन नहीं है। फोर्स्ड कन्वर्जन्स कॉमन फिनोमिनन नहीं थे, सर्टनली स्टेट ड्रिवन प्रोजेक्ट तो नहीं ही था। रिलीजियस कन्वर्जन्स के पीछे डीपर सोशल कारण थे, हिंदू समाज का हायरार्किकल स्ट्रक्चर और उसके डिस्क्रिमिनेटरी फीचर्स। योगी आदित्यनाथ का आगरा म्यूजियम रिलेटेड फैसले के ठीक पहले कुछ डेवलपमेंट्स बहुत उल्लेखनीय है। अयोध्या में तो राम मंदिर का काम अब शुरू हो गया है, परंतु अगर किसी को लगा हो कि ये मंदिर निर्माण का काम का मतलब होगा कि संघ परिवार का टेंपल्स इन प्लेस ऑफ मॉस्क का जो प्रोजेक्ट है उसका ये फुल स्टॉप होगा, तो वो गलत समझे थे। कहा जाता था ये तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हालांकि इन दोनों मुद्दों को अभी तक संघ परिवार ने फॉर्मली नहीं उठाया या एडॉप्ट किया है, लेकिन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। जिस तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन के समय बाबर के मेमोरी और इमेज को विलीफाई किया गया था, अब औरंगजेब की बारी है। ऐसे भी काफी वक्त से हिंदुत्व इमेजरी में गुड अकबर वर्सेस बैड औरंगजेब का नैरेटिव चलाया गया है। कुछ ही इंस्टेंसेस साइट करते हुए ये बिलीफ आम लोगों में इंस्टिल कर दी गई है दैट ऑल मुस्लिम किंग्स प्लंडर्ड इंडिया एस्पेशली द हिंदू टेम्पल्स एंड टुक All the riches away. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वाराणसी और मथुरा में जिन इस्लामिक श्राइन्स को हिंदू कम्युनल फोर्सेस अब डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं, उनका कंस्ट्रक्शन औरंगजेब के टेन्योर में हुआ था, लेकिन मोटिवेशन रिलीजियस डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना नहीं था, परंतु इन डेवलपमेंट्स के पीछे कई लोकल फैक्टर्स थे। औरंगजेब का इमेज एज प्लंडरर ऑफ टेंपल्स बनाया गया है, उनका एम्पायर विशाल था, हजारों हिंदू और जैन मंदिर थे, उनमें से कितने तोड़े थे उन्होंने डायरेक्टली ऑर्डर देके। इतिहासकार और औरंगजेब पर किताब लिखने वाली लेखिका
ऑड्रे टुस्के के हिसाब से पॉसिबली जस्ट अ फ्यू डजन इन टोटल। मुगल पीरियड के पहले से, जब से मुगल बादशाह बिकेम एम्परर्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स इन इंडिया, हिंदुओं को प्रोटेक्टेड क्लास का दर्जा दिया गया था, उनको और उनके इंस्टीट्यूशंस को स्टेट प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन इसके बावजूद डेमोनाइजेशन ऑफ मुगल एम्परर्स एंड अदर मुस्लिम किंग्स इज अ रिकरेंट फीचर ऑफ राइट विंग डिस्कोर्स। इन हाफ ट्रूथ्स को पॉपुलराइज करके नेसेसिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज फॉर रॉन्ग्स, सो कॉल्ड रॉन्ग्स डन इन हिस्ट्री, एक तरह से हमारे देश की अब स्टेट पॉलिसी या फिर कॉमन बिलीफ बनती जा रही है। क्या आदित्यनाथ का बयान इस बात को साबित नहीं करता है? यूपी के मुख्यमंत्री ने आगरा के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स को यह भी एसर्टेन करने को कहा है, क्या आगरा का नाम इतिहास में कुछ और था? रिनाउंड मिडिवल हिस्टोरियन इरफान हबीब ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार को बताया है, शहर हिस्टोरिकल एनल्स में आगरा ही हमेशा था। उन्होंने यह भी कहा है, आगरा शब्द पर कोई मुसलमानी परछाई नहीं है। ड्यूरिंग लोदी पीरियड सुल्तान सिकंदर लोदी वॉज द फर्स्ट टू मूव हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन 1504। दिस वॉज द पीरियड वेन इट वॉज पॉपुलेटेड। भविष्य में अगर कोई खिताब या टाइटल घोषित हो चैंपियन ऑफ रीनेमिंग रोड्स, टाउन्स एंड सिटीज, तो योगी आदित्यनाथ इसके लिए प्रमुख दावेदार होंगे। उनके टेन्योर में मुगल सराय स्टेशन का नाम परिवर्तित होकर दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया, इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया गया और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट को श्री अयोध्या कहा जाने लगा। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से हिंदुस्तान में 6,00,000 गांव, कस्बे और शहरों में से 704 ऐसे हैं जो पहले 6 मुगल बादशाहों के नाम पर रखे गए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इस अखबार के कैलकुलेशंस के मुताबिक 251 गांव, कस्बे या शहर अकबर के नाम पर हैं, 177 औरंगजेब के नाम पर, 63 शाहजहां के, 61 बाबर के नाम पर एंड 11 आफ्टर हुमायूं। सबसे कॉमन नेम अकबरपुर है। देश भर में 70 अकबरपुर हैं और 63 औरंगाबाद हैं। आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम भी औरंगाबाद है, एक बिहार में, दूसरा महाराष्ट्र में। असेंबली सीट्स भी 2 हैं उन्हीं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, एक एक असेंबली सेगमेंट का नाम भी औरंगाबाद है। एक तरफ मुगल्स और बाकी मुस्लिम किंग्स का डिमोनाइजेशन काफी वक्त से रिविजनिस्ट डिस्कोर्स का इंटीग्रल हिस्सा रहा है, दूसरे तरफ शिवाजी का वैलराइजेशन वीडी सावरकर द्वारा हिंदुत्व का कोडिफिकेशन के पहले से चल रहा है। छत्रपति शिवाजी को पूरे देश में अब डेईफाई किया जाता है। ही इज प्रोजेक्टेड एज वन ऑफ द अर्लीएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ द आइडिया ऑफ अ हिंदू नेशन, समवन हु केप्ट द टॉर्च ऑफ हिंदू रेनेसा अलाइव ड्यूरिंग द डेज ऑफ मुस्लिम रूल, मोस्टली डिपिक्टेड एज मुस्लिम टिरनी। लेट 19th सेंचुरी से शिवाजी का प्रोजेक्शन एज फ्रीडम फाइटर शुरू हो गया था। मुगल्स को फॉरेन इन्वेडिंग फोर्सेस मोर वेनमस देन द ब्रिटिश कहा जाता था। लाइक मुगल्स, शिवाजी टू वॉज लॉक्ड इन बैटल फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी
and religious identity was at best incidental, not integral. आदित्यनाथ शिवाजी के नाम का मिसयूज कर रहे हैं टू डिस्ट्रॉय इंडियाज सिंक्रेटिक पास्ट. शिवाजी के कैरेक्टराइजेशन का ओवर सिंप्लीफिकेशन को प्रोपगेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ. द आइडिया इज टू प्रोवाइड हिंदूज विद अ कैरेक्टर फ्रॉम हिस्ट्री हु कैन बी आइडियलाइज्ड अगेंस्ट एन एनिमी हु लिव्स विद इन देम एंड हु कैन बी कॉल्ड अ डिसेंडेंट ऑफ इन्वेडिंग किंग्स, जैसे बाबर के औलाद. इस तरह इतिहास का इस्तेमाल कंटेम्पररी पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज के प्रति भय, घृणा या फिर शक फैलाने में या पैदा करने में किया जाता है. योगी आदित्यनाथ का रीनेमिंग ऑफ आगरा म्यूजियम प्रोजेक्ट इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. इतिहास के पन्ने इसी तरह से ऑब्लिटरेट किए जाते हैं और हम अपने धरोहर से कटते जाते हैं. एक्चुअल हिस्ट्री के जगह हमारी एग्जिस्टेंस इस काल्पनिक अतीत में सस्टेनेंस खोजता है. वक्त के साथ हमारी कमजोरी का कारण यही बन जाता है. हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद. मैं नीलांजन मुखोपाध्याय आप लोगों से विदा लेता हूं, लेकिन इसके पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम और न्यूज क्लिक के तमाम सारे कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर लाइक करें और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सके, ताकि ये एक काउंटर डायलॉग चलता रह सकता है. नमस्कार. Thank you.